दोस्तों, एक बात जिसको लेकर अक्सर मसीह भाइयों में काफी डिबेट होती है वो ये है कि क्या नए नियम के अनुसार विश्वासी अब पोर्क खा सकते हैं या नहीं। बहुत से मसीह भाइयों का ये मानना है कि जिन पशुओं को पुराने नियम में अशुद्ध ठहराया गया था उन्हें हम अब खा सकते हैं, और अपनी इस बात का दावा करने के लिए वो कोट करते हैं खास तौर पर मरकुस 7:19 पद से। वहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वो उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वो उसके मन में नहीं परंतु पेट में है, उस संडास में निकल जाती है। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। अब लोग इस वचन को नहीं समझ पाते। इसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि लोग बाइबल के वचनों को संदर्भ के साथ नहीं पढ़ते, जबकि संदर्भ परमेश्वर के वचनों को समझने में हमारी सहायता करता है। सपोज कीजिए आपके पास किसी कंपनी का एक लेटर है और आप उस लेटर के बीच में से एक लाइन पढ़ लेते हो, तो आप ये दावा नहीं कर सकते कि आपको पूरा लेटर समझ में आ गया है। इसके लिए तो आपको पूरा लेटर पढ़ना पड़ेगा। ठीक वैसे ही न्यू टेस्टामेंट के साथ है, क्योंकि न्यू टेस्टामेंट हमारे लिए लेटर्स हैं, इसलिए हमें ऊपर और नीचे के वचनों को भी पढ़ना होगा ताकि सारी बात हमारी समझ में आ जाए। अब मरकुस 7 अध्याय के पहले और दूसरे वचन पर ध्यान दीजिए। तब फरीसी और कई एक शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे उसके पास इकट्ठा हुए, और उन्होंने उसके कई एक चेलों को अशुद्ध अर्थात बिना हाथ धोए रोटी खाते देखा, क्योंकि फरीसी और सब प्रकार के यहूदी पुरनियों की रीति पर चलते हैं और जब तक भलीभांति हाथ नहीं धो लेते तब तक नहीं खाते। तो जैसा कि हमने पढ़ा, बात यहाँ हो रही है बिना हाथ धोए खाना खाने की, और फरीसी लोग मसीह के चेलों पर इस बात पर दबाव डालते हैं कि बिना हाथ धोए उन्हें खाना खाना नहीं चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पहली सदी की फरीसियों की हाथ धोने की एक विशेष परंपरा थी जिसे पुरनियों की रीति कहा जाता था। इसमें वो विशेष रीति से हाथ को धोते थे। और मैं आपको बता दूं कि यहूदियों की किताब तालमुद में भी बताया गया है कि पहली सदी के जो फरीसी थे उनमें एक मान्यता थी कि अगर कोई व्यक्ति बिना हाथ धोए खाना खाता है तो उसके हाथों पर एक गंदी दुष्ट आत्मा बैठी रहती है जिसके द्वारा वो उसके पेट में एंटर कर जाती है और पूरा मनुष्य अशुद्ध हो जाता है। लेकिन फरीसियों की इस टीचिंग को मसीह ने कंडेम कर दिया और कहा कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वो उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वो उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है। तो फाइनली पूरे संदर्भ को देखने के बाद हमें ये पता कर लिया है कि मसीह असल में भोजन करने से पहले फरीसियों की हाथ धोने की विशेष परंपरा को खत्म कर रहा है, ना कि मूसा की व्यवस्था को, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी बदल नहीं सकता। तो मेन समस्या उनकी रीतियों के साथ थी, ना कि मूसा की व्यवस्था के साथ, और ये उन्होंने खुद बनाई थी। अब कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि जी यहाँ पर साफ लिखा है कि मसीह ने कहा, यह कहकर उसने भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। लेकिन जब आप गहराई से स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश की बाइबल में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इस पद का एक हिस्सा ब्रैकेट में लिखा हुआ है, और जो हिस्सा ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो है दस ही डिक्लेयर्ड ऑल फूड्स क्लीन। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बाइबल में कोई भी हिस्सा जिसे आप ब्रैकेट में लिखा हुआ देखते हैं उसका मतलब ये है कि वो हिस्सा मूल बाइबल में मौजूद नहीं था, लेकिन बाद में उसे जोड़ा गया। आज भी हमारे पास ग्रीक बाइबल मौजूद है, जैसे कि कोडेक्स सिनेटिकस, जो कि काफी पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट है, तो वहाँ पर भी इस तरह का कोई भी सेंटेंस नहीं है। असल में ये शब्द बाद में ऐड किया गया था जब बाइबल का अलग अलग भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा था। जो ट्रांसलेटर थे उन्होंने अपने हिसाब से इन शब्दों को जोड़ दिया। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये पद मरकुस 7:19 किसी भी तरह से इस बात को प्रमाणित नहीं करता कि परमेश्वर ने अशुद्ध भोजन वस्तुओं को अब शुद्ध बना दिया है। लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर का वचन कभी बदलता नहीं, इसलिए पुराने नियम में दिए गए शुद्ध और अशुद्ध भोजन का नियम बना रहेगा। और प्रियो, जैसा कि भविष्यवाणी है यशया की किताब में, हम देख सकते हैं कि जब मसीह का दूसरा आगमन होगा उन सबको दंड देगा जो सुअर जैसे अशुद्ध भोजन खाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप इन वचनों को समझ गए होंगे, और परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, आप सबको सुरक्षित रखे, आप सबको जय मसीह की एंड शालोम।